भागलपुर में ट्रिपल मर्डर के मामले का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। कुछ दिन पहले झंडापुर में महादलित टोले के कनिक उर्फ गायत्री राम के घर पर रात को कुछ अपराधी घुस आए थे और तीन लोगों की हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार से मिलने सांसद पप्पू यादव भी आए थे। पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर में शामिल बदमाश को गिरफ्तार कर हत्या की वजह का खुलासा कर दिया है। दरअसल इस शर्मनाक कांड में शामिल सभी हत्यारे कनिक राम के दोस्त थे और कनिक की बेटी पर उनकी बुरी नजर थी। सभी दरिंदों ने मिलकर दोस्त की बेटी के साथ गैंगरेप करने की योजना बनाई थी। सभी ने कनिक के घर में ही बैठकर मछली भात खाया और जमकर ताड़ी भी पी। नशे में धुत होकर जब उन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की तो उनके पिता, माँ और भाई बचाव में आ गए। वहीं हवस में अंधे बने दरिंदों ने किशोरी को बचाने की कोशिश करने वाले माँ बाप और भाई को मौत के घाट उतार दिया। उसको भी मृत समझा इन लोगों ने, अपराधियों ने, लेकिन वो बच्चा सुबह तक जीवित था। उसके इलाज के लिए जब उसको ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस बात की पुष्टि इनके कन्फेशन से हुई। ये लोग ऐसा कन्फेशन बताए, फिर इनके निशानदेही पर ये अपराधी जो पकड़े गए हैं उसमें कन्हैया झा के निशानदेही पर उस दिन पहना हुआ एक कार्गो पैंट हम लोग बरामद किए हैं जिसमें खून लगा हुआ है। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोहन सिंह, कन्हैया झा, बलराम राय, अमन कुमार, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम और सल्लो सहनी इस कांड में शामिल हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस को इन बेरहम वहशी हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों से दोस्ती और भरोसे दोनों का ही कत्ल कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।